अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वन फैक्ट वन मिनट की एपिसोड 11 और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाज़रीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने न्यूज़पेपर यानी कि अखबार के कौन कौन से इस्तेमाल देखे हैं, तो यकीनन आप कहेंगे कि अखबार को पढ़ा जाता है, अखबार पर पकौड़े रख के खाए जाते हैं, और यहाँ तक कि अखबार को रद्दी में भी बेचा जाता है, और अगर आप टिपिकल देसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो अखबार को किचन के शेल्फ्स पर भी बिछाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जापान में अखबार के साथ इन सब कामों में से कुछ भी नहीं होता और एक ऐसा यूनिक काम किया जाता है जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। जी बिल्कुल, जापान में मेंची सिनबुन नाम की एक न्यूज़ प्रिंटिंग एजेंसी ने दुनिया का पहला ग्रीन न्यूज़पेपर मुतारिफ करवाया है। इस न्यूज़पेपर की खसूसियत ये है कि इसका पेपर प्लांट सीड्स के थ्रू तैयार किया जाता है, और इसकी खसूसियत यह है कि इसको पढ़ने के बाद जापानी इस पर पकौड़े रख कर नहीं खाते, बल्कि इस न्यूज़पेपर को ज़मीन में दबा देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक नया पौधा उगकर तैयार हो जाता है। रोज़ाना सैकड़ों जापानी इस न्यूज़पेपर को ख़रीदते हैं, पढ़ने के बाद इसको ज़मीन में दबा कर ऊपर पानी डाल देते हैं, चंद दिनों बाद एक नया पौधा तैयार हो जाता है। हमारी हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी का बेड़ा उठाया है, लेकिन लगता है कि इसको सीरियसली जापान ने ले लिया है। क्या आप सोचते हैं कि हमारी हुकूमत को भी बिलियन ट्री सुनामी के मंसूबे को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए ग्रीन न्यूज़पेपर के कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा? अगर ऐसा सोचते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आज से पहले आपको ये फैक्ट मालूम नहीं था तो इस वीडियो को लाइक करें। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे। अस्सलाम वालेकुम।